दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश जी की प्रिय मिठाई, वो है मोदक बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगे हैं खाने में और इसको हम बनाएंगे बिना मावा के। तो देर न करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम रखेंगे सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम आधा कप घी। ये मेल्ट किया हुआ घी है, आप ऑयल या घी में किसी में भी बना सकते हो। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी। इसको हमें रोस्ट करना है धीमी आंच पर, एक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे चलाते हुए। तो हम इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे और गैस को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। तो दोस्तों हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हो। हमें इतनी इसको भूनना है। अब इस गैस को हम बंद कर देंगे, और हमने रखा है गैस पर एक पतीला, और हम इसमें डालेंगे एक कप चीनी। जितनी हमें सूजी लेनी है उतनी हमें चीनी लेनी है, और हम इसमें डालेंगे दो कप पानी, और इसको हमें मेल्ट कर लेना है। इसकी हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें चीनी को पानी में मेल्ट कर लेना है। इसको मिला लेंगे अच्छे से, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है, अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच इतना येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो डालें, नहीं तो आप इसको पूरी तरह स्किप भी कर सकती हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा इसका एक येलो कलर आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कार्डमम एसेंस, इलायची का एसेंस, आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम कर देंगे गैस को बंद, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो दोस्तों हमने जो सूजी को भून कर रखा था वो फिर से हमने गैस पर रख लिया है। इसको हम एक बार चला लेंगे अच्छे से, और हम इसमें डालेंगे एक कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो गोला आता है वो भी आप घिस कर डाल सकते हो। तो एक कप जितना डाल लेंगे इसमें, और डालकर अच्छे से हम सूजी और नारियल के बुरादे को मिक्स करेंगे। तो हमने डेसिकेटेड कोकोनट और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे चाशनी को। तो हमारी दोनों चीज़ गर्म ही होनी चाहिए, अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें ऐसे ही चलाते जाएंगे, गैस को हमें मीडियम रखना है। तो ये थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो ऐसे ही हम इसको चलाते जाएंगे। इसको हम अच्छे से थिक कर लेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छूटने लगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं थिक होने लगा है, इसको हम थोड़ा सा और थिक कर लेंगे। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक ये डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको हम ऐसे ही चलाते जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डो की फॉर्म में आ गया, अच्छे से थिक हो गया है। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने एक प्लेट पर निकाले, इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से। इसको हम ठंडे होने के बाद ही मोदक को बनाएंगे, गर्म में नहीं बन पाएंगे। तो हम पतला पतला सा फैला देंगे, और इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। 5 मिनट में ठंडा होकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों हमारा मोदक का डो ठंडा होकर तैयार, और इसमें हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट में लिए हमने किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, आपकी जो मर्जी है वो डाल सकती हो। तो इसके हम इस तरीके से मोदक बनाएंगे, आप जिस साइज के बनाना चाहें उस साइज के बना सकती हो। अगर आपके पास मोदक वाला मोल्ड है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, उसमें बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ये ड्राई फ्रूट भरेंगे कटे हुए,
और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। इस तरह हम लड्डू ऐसा बना लेंगे सेब। अब इसको हम एक हाथ पर रख के इस तरीके से घुमाएंगे। इस तरीके से हम मोदक का दोस्तों हमने यहाँ पर मोदक का सेप दे दिया। अब हम इस एक टूथपिक लेंगे, इस तरीके से इसमें डिजाइन बना देंगे। इससे बहुत ही अच्छे मोदक लगते हैं, आप ऐसे ही सिंपल लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम डिजाइन को बना देंगे। तो दोस्तों हमारा बनकर तैयार है मोदक, आप देख सकते हो। अब हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट इस तरीके से, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं तो आप देख सकते हो। ऐसे ही हम सारे बना बना कर रखते जाएंगे एक प्लेट पर। ऐसे ही हम और बना लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा वाला भी बनकर तैयार। इस पर भी हम डेसिकेटेड कोकोनट लगा देंगे। तो आप देख सकते हो ऐसे ही हम सारे बना बना कर रखते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे बनकर तैयार हैं गणपति के प्रिय मोदक। बहुत ही इजीली हमने तरीके से बनाया इसको, आप देख सकते हो हमने घर के रखे सामान से बनाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल बनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एक और न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।